हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तनुजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ शकरकंदी भुनने का एक नया तरीका शेयर करने वाली हूँ जो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। सिर्फ 5 मिनट में आप ढेरों शकरकंदियाँ भून सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर शकरकंदियाँ ले रखी हैं, आपको मार्केट में किसी भी साइज़ की मिल जाएंगी। आपको बड़े साइज़ की, छोटी या फिर मीडियम साइज़ की, कोई भी साइज़ की मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद आपको कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ लेना है और उसके बाद मैं इस पर लगा रही हूँ ऑयल। इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ऑयल लगाने से जो आपकी शकरकंदियाँ हैं वो बहुत जल्दी पक जाती हैं और बहुत ही अच्छा सा सौंदर्य सा बनाता है भुनने के बाद इसमें। तो यहाँ पर मैंने सारी शकरकंदियों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसको रैप कर लेंगे फॉइल पेपर में। फॉइल पेपर में रैप करने से जो इसकी हीटिंग पावर होती है वो बहुत बढ़ जाती है और जब हम भूनेंगे तो कोई भी शकरकंदी आपकी यहाँ पर जलेगी नहीं। तो फॉइल पेपर का यूज़ ज़रूर करें यहाँ पर। आप इस तरीके से एक बार भून के देखिएगा, आपको बहुत इजी मेथड लगेगा। और जब हम कुकर में भूनते हैं बनाते हैं, पानी में बॉयल करके इसको पकाते हैं, तो सारा पानी इसके अंदर चला जाता है। अगर आप इस तरीके से भूनेंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से भूनती हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी शकरकंदियों को अच्छे से रैप कर लिया है। आप इस तरीके से रैप करिएगा कि कोई भी पोर्शन छूटे ना। तो मैंने यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से सारी शकरकंदियों को रैप कर लिया है फॉइल पेपर में। अब मैंने यहाँ पर रखी हुई है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दूंगी मैं एक नमक। आपके पास अगर पहले पुराना नमक रखा हो, केक बनाने के वाला जो बचा होगा, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास था नहीं तो मैंने यहाँ पर जो फ्रेश नमक होता है उसी का यूज़ कर रही हूँ मैं। तो पहले नमक को अच्छे से यहाँ पर गरम कर लेंगे। कढ़ाई थोड़ा सा 3 से 4 मिनट के लिए प्री हीट हो जाएगी, तो उसके बाद ही हम यहाँ पर रखेंगे शकरकंदियाँ। तो नमक बहुत जल्दी गरम हो जाता है, तो मैंने 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पर कढ़ाई को अच्छे से प्री हीट कर लिया था। अब मैं यहाँ पर रख रही हूँ जितनी भी शकरकंदियाँ हैं उसको मैं एक बार एक एक करके सब रख दूँगी। इस तरीके से मैंने सारी शकरकंदियाँ यहाँ पर रख दी हैं। अब हम इसमें लगा देंगे लिड। आप इसे कवर कर लीजिएगा किसी भी ढक्कन से और इसको लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने दीजिएगा। आपकी शकरकंदियाँ बहुत अच्छे से भून जाएंगी। आप 3 से 4 मिनट बाद एक बार चेक करके देखिएगा कि ये शकरकंदियाँ कितनी पक चुकी हैं। तो मैं एक बार इसको पहले देख रही हूँ, पलट रही हूँ। तो मैं यहाँ पर सारी शकरकंदियों को अच्छे से एक बार पलट लूँगी जिससे ये दूसरे साइड से भी कुक हो जाए आराम से। मैक्सिमम इसमें 6 से 7 मिनट लगते हैं और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैंने इसको फिर से पलट कर करके लिड लगा करके एक बार इसको फिर से मैंने कुक कर लिया है यहाँ पर। तो ये रेडी हो चुकी हैं। मैंने यहाँ पर टूथपिक लगा के देख लिया था। आप चाहे तो स्पून का भी यूज़ करके देख सकते हैं, आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये एकदम से पक चुकी हैं। तो मैं अब इसको फॉइल पेपर से निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं किसी भी इसके जो छिक्कल हैं उसमें आपको कहीं पर भी जले का निशान नहीं दिखाई देगा। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम से पक चुकी हैं और जो हमने ऑयल लगाया था उससे इसमें एकदम सौंदा सौंदी सी खुशबू आ रही है। तो इसी तरीके से आप बहुत इजी तरीके से इसको भून सकते हैं। पहले यहाँ पर मैं नमक को अच्छे से झाड़ लूँगी और उसके बाद मैं इसको फॉइल पेपर से निकाल रही हूँ। इसमें मुझे 6 से 7 मिनट लगे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो इसी तरीके से आप भी इजीली शकरकंदियों को भून सकते हैं। अब मैं आपको छिलके भी दिखाती हूँ। आप देखिए कितनी बढ़िया तरीके से कुक हुई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम पक चुकी है। तो मैं इसको नाइफ की हेल्प से इसको अच्छे से निकाल लूँगी क्योंकि बहुत गर्म भी हो रही है ये। आप भी इसी तरीके से कढ़ाई में 5 से 7 मिनट में ढेरों शकरकंदियाँ भून सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, आपने ये वाला मेथड कभी कहीं नहीं देखा होगा, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और
जल्दी से झटपट बन के तैयार हो जाती हैं, तो आप इसकी चाट बना के भी खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी शक्करकंदियाँ भून ली हैं, अब मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। ये फास्ट में खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे इजीली भून सकते हैं और इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसकी चाट भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर डाली हुई है हरी मिर्च, थोड़ा सा डाला हुआ है यहाँ पर हरा धनिया, नमक रहेगा स्वाद अनुसार, थोड़ा सा डाला हुआ है मैंने लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा डालूंगी मैं यहाँ पर चाट मसाला। तीन से चार बूंद डाली हुई है यहाँ पर नींबू की, इससे खाने में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसको अच्छे से टॉस कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर शक्करकंदी की चाट रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी झटपट बनके तैयार हो जाती है। तो आप इस मेथड को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपको नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।